नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण संगठन देख रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो याद रखिए, आपके जितना भी संगठन खत्म होते जा रहे हैं वो सभी आपके जो प्लेलिस्ट सूची में महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। याद रखिए 1994 में पेरिस में अपनाया गया था इसे। कब? 1994 में पेरिस में। सतत भूमि विकास प्रबंधन तथा पर्यावरण से जुड़ा यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए वैधानिक रूप से बाध्य भी है। 1992 में के रियो सम्मेलन की अनुशंसाओं के आधार पर UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन की स्थापना की गई। 196 देशों तथा यूरोपीय यूनियन UNCCD के पक्षकार हैं। UNCCD के उद्देश्यों में बात करें हम लोग, तो यह है अभी समय विशेषता शुष्क अर्ध शुष्क तथा शुष्क उप आद्य क्षेत्रों को संदर्भित करता है। इन भूमियों को शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है जहाँ कुछ अति सुवेद पारितंत्र पाए जाते हैं। UNCCD 2018 से 2030 तक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क एक समग्र वैश्विक प्रतिबद्धता है जिसका उद्देश्य लैंड डिग्रेडेशन न्यूटिलिटी को विस्तारित भूमि की उत्पादकता की पुनर्प्राप्ति के माध्यम से प्राप्त करना है। इसका एक उद्देश्य 1.3 अरब लोगों को की आजीविका में सुधार करना तथा सोवियत जनसंख्या पर सूखे के प्रभाव को कम करना है। अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के बारे में, कॉप के बारे में। कॉप इस समय अभी समय का सर्वोच्च शासी निकाय है। UNCCD की कॉप के प्रथम सत्र का आयोजन अक्टूबर 1997 में इटली के रोम में हुआ था। पहला कब हुआ था? अक्टूबर 1997 में इटली के रोम में। पहले इन सत्रों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता था, लेकिन वर्ष 2001 में इसका आयोजन 2 वर्षों में एक बार किया जाने लगा। कॉप 14 का आयोजन 2 सितंबर से 13 सितंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में किया गया था। ठीक, 13वां आपका कॉप इस सितंबर 2017 में ऑर्डोस चीन में किया गया था। अन्य तथ्यों की बात करें तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 2010 से UNCCD के लिए वित्तीय तंत्र बना है। GEF का लैंड डिग्रेडेशन फोकस एरिया एक तंत्र प्रदान करता है जिससे 5 देश GEF संसाधनों का उपयोग UNCCD के क्रियान्वयन के लिए कर सकें। मरुस्थलीकरण के विरोध, संघर्ष तथा सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए इस पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना व सलाह देने हेतु कॉप के सहायक निकाय के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया। 17 जून को याद रखना है, 17 जून को मरुस्थलीकरण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वो आपका वर्ष 2019 के लिए थीम क्या थी? लेट्स ग्रो द फ्यूचर टूगेदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। आगे हम लोग बात करेंगे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक,